आज के इस वीडियो में हम करबला नाटक को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। इस पे आपको कहानी सारांश के रूप में लिखने तथा अन्य रूपों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को संक्षेप में और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। करबला प्रेमचंद का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। इसका प्रारंभ यजीद और उसके समर्थकों के बैठक से होता है। कहानी काफ़ी सरल भाषा में है तथा इसे मैं विस्तार से समझाने का प्रयास नहीं करूँगा। यह आपको ऐसे ही रीडिंग के रूप में इस वीडियो में देखने को मिलेगा और यह आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। तो करबला प्रेमचंद का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। इसका प्रारंभ यजीद और उसके समर्थकों की बैठक से होता है। यजीद उस समय खलीफा घोषित हो चुके थे। उस समय के लोगों को विश्वास था कि खलीफा के रूप में उनका चयन इस्लामी परंपरा के अनुसार नहीं हुआ था। जो यजीद थे वह उस समय तक खलीफा घोषित हो चुके थे और वहाँ के लोगों का मानना था कि जो खलीफा का चयन हुआ है वह इस्लामी परंपरा के अनुसार नहीं हुआ। हजरत अली के पुत्र हजरत हुसैन को खलीफा बनाना जाना था। अपने मन में यजीद भी यह जानता था, क्योंकि यजीद जो है इस्लामी परंपरा के अनुसार खलीफा नहीं बना था। वह जानता था कि जो हजरत अली का जो पुत्र है हुसैन, उन्हें खलीफा बनाना चाहिए था, पर वह स्वयं खलीफा बन चुका था। इसलिए उसके मन में यह विश्वास था कि हुसैन उसके नाम की बैयत नहीं लेंगे। उसको ऐसा विश्वास था कि हुसैन, क्योंकि स्वयं खलीफा बनना चाहते थे और यजीद खलीफा बन चुका था, तो वह चाहता था कि हुसैन उसकी नाम को मान्यता दे दे, अर्थात खलीफा के रूप में उसे स्वीकार कर ले। फिर इस्लाम के अनुयायियों पर हुसैन का नैतिक प्रभाव है, क्योंकि पैगंबर का नवासा जो थे वह थे आपको हुसैन। इस कारण से इस्लाम के जो अनुयायी थे उस पर हुसैन का काफ़ी प्रभाव था। इसलिए जब तक हुसैन जिंदा है तब तक यजीद निष्कंटक शासन नहीं कर सकते थे, यानी कि जब तक हुसैन जिंदा था तब तक यजीद के लिए शासन करना थोड़ा मुश्किल भरा होता। अतः यजीद हुसैन को मारने का आदेश देता है। हुसैन को भी लगता है कि यजीद गलत रीति से खलीफा बना है, इसलिए वे कभी भी उसके नाम की या उसके नाम को मान्यता नहीं देते खलीफा के रूप में। यह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है, अतः इस दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी है। नाटक का प्रारंभ इस समझ से होता है। प्रेमचंद बताता है कि यजीद शराबी है, वैश्यगामी है और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है। हुसैन मदीना में रहता है। यजीद वहाँ के गवर्नर वलीद को पत्र लिखता है और वह हुसैन को मेरे नाम की बैयत लेने के लिए कहे। यदि वह नहीं लेता तो उसे कत्ल कर दिया, उसका कत्ल कर दिया जाए। इस तरह हुसैन का यहाँ रहना दुभर हो जाता है। हुसैन को अपने परिवार के साथ मक्का की तरफ रवाना हो जाना पड़ता है। उसे जो कूफा है, कूफा के निवासियों का भी पत्र मिलता है कि हुसैन कूफा आए तथा यजीद के जुल्मों से उसे मुक्त करे, वहाँ के लोगों को मुक्त करे। हुसैन मदीना को खून खराबे से बचाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाता है। उनके मक्का पहुँचने की खबर यजीद को भेज दी जाती है। यजीद मरवान को यहाँ एक नाजिम यानी कि संदेशवाहक बनाकर भेजता है। हुसैन को कत्ल न कर पाने की सजा के तौर पर मदीना से वलीद को हटा दिया जाता है। चूँकि मदीना में जब हुसैन था तो वलीद ने यजीद के पत्र मिलने पर भी, जिसमें कहा गया था कि वह हुसैन का कत्ल कर दे, वह उसे नहीं मार पाता, इसलिए वलीद को मदीना से हटा दिया जाता है। इधर हुसैन कूफा के लिए रवाना हो जाता है। कूफा वालों का मन बदल जाता है। वे हुसैन के स्थान पर यजीद के समर्थक हो जाते हैं। जहाँ से हुसैन को पत्र मिला था कि वह यजीद के जुल्मों से उन्हें बचाए, वहाँ के लोग, जो कूफा स्थान है, वहाँ के लोगों का अब मन बदल जाता है और वो हुसैन
का समर्थक न होकर के यजीद का समर्थन करने लग जाते हैं। यजीद की सेना मक्का से ही हुसैन का पीछा कर रही होती है, साथ ही उनके चारों तरफ से उसको चारों तरफ से घेर कर रखा जाता है ताकि वे किसी भी गुप्त स्थान पर न जा सके। यानी कि जब मदीना से हुसैन चला था तब से ही यजीद के सैनिक सैन्य बल उसका पीछा कर रहे थे, उस पर ध्यान रखे हुए थे ताकि वो वहाँ से भागकर कहीं छुप ना जाए। पर्याप्त सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी यजीद ने हुसैन पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि उसे आशंका थी कि यहाँ के नागरिक कहीं विद्रोह न कर दें। इसलिए फरात नदी के किनारे पर हुसैन के काफिले को रोक दिया जाता है तथा नदी की रक्षा के लिए सेना तैनात कर दी जाती है। साथ ही यह भी आदेश भिजवाया जाता है कि हुसैन को नदी से पानी न लेने दिया जाए और न ही वहाँ पर कोई कुआँ खोदने दिया जाए। गर्मी के मौसम में पानी का कष्ट इतना जानलेवा होता है, इसका वर्णन प्रेमचंद्र ने विस्तार से किया है। हुसैन ने समझौते का प्रयास किया लेकिन यजीद के लोग किसी भी बात से सहमत नहीं हुए। अंततः युद्ध हुआ। जो यजीद की सेना थी वह हुसैन को, जो वहाँ नदी थी फरात नदी, उस नदी से हुसैन को पानी लेने से भी मना कर दिया जाता है तथा उसे कुआँ, अगर नदी से पानी न मिले तो वह कुआँ खोदने का प्रयास करता है पर उसे उसके लिए भी मना कर दिया जाता है। इसके बाद हुसैन जो है कई बार प्रयास करता है उनसे समझौता करने की पर यजीद के लोग समझौता करने से मना कर देते हैं, उसकी एक भी नहीं सुनते। क्योंकि गर्मी का टाइम था, बिना पानी के कोई कितने दिन जीवित रहता, तो अंततः दोनों में युद्ध शुरू होता है। उन दिनों समर की दो पद्धतियाँ थी, एक तो सम्मिलित जिसमें समस्त सेना मिलकर लड़ती थी और दूसरी व्यक्तिगत जिसमें दोनों दलों में से एक एक योद्धा निकलकर लड़ते थे। अब जब युद्ध शुरू होता है तो उस समय युद्ध की दो पद्धति प्रचलित थी जिसमें एक एक करके एक एक आदमी लड़ता था और एक सामूहिक तौर पे दोनों तरफ की सेनाएं मिलकर एक साथ लड़ती थी। यह दूसरी पद्धति से हुआ, दोनों ओर से एक एक योद्धा जाते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस तरह सभी 72 लोग शहीद हुए, सबसे अंत में हुसैन शहीद हुआ। इस युद्ध में उसके नवजात बच्चे और स्त्रियों की भी हत्या कर दी गई। हुसैन की शहादत के बाद शत्रुओं ने उसकी लाश की जो दुर्गति की वह इतिहास की अत्यंत लज्जाजनक घटना है। यह ऐसी अनोखी घटना है, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी धर्म संचालक के नवासों को अपने नाना के अनुयायियों के हाथों यह बुरा दिन देखना पड़ा। जो इस्लाम के संस्थापक हैं मोहम्मद, उसके नवासे यानी कि वह हुसैन के नाना थे और हुसैन की ऐसी दुर्गति हुई जो काफ़ी लज्जाजनक है, क्योंकि किसी भी अन्य मत पंथ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि उस पंथ के संस्थापक के परिवार के साथ इतनी दुर्गति हुई हो। यहाँ तक कि उसके हत्या हो जाने के बाद उसके लाश की काफ़ी दुर्गति की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने करबला नाटक जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था उसे पढ़ने का समझने का प्रयास किया है, ताकि इस पे सारांश या अन्य किसी प्रकार के प्रश्न आए तो आप उसके उत्तर देने में सामर्थ हों। चलिए ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ लाते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।